तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किडनैपिंग के बारे में जिसमें किडनैपिंग तो हुई लेकिन कोई भी पर्सन उसमें किडनैप नहीं हुआ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड, जो कि होता है साइबर किडनैपिंग, जिसके थ्रू काफी सारे अमाउंट ऑफ मनी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। आज हम बात करेंगे साइबर किडनैपिंग के बारे में, जिसके अंदर किडनैपिंग तो होती है लेकिन कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन उसमें किडनैप नहीं किया जाता। अब एक केस सामने आ रहा है कि चाइनीज बॉय साइबर किडनैप्ड इन यूएस। यूएस में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला चाइनीज बॉय किडनैप हुआ, बेसिकली साइबर किडनैप्ड हुआ। अ चाइनीज स्टूडेंट हु वाज अ विक्टिम ऑफ साइबर किडनैपिंग हैज बीन फाउंड इन रूरल उता अनहार्म्ड। रूरल उता बेसिकली एक जगह का नाम है यूएस में। रूरल उता में एक पर्सन, एक बेसिकली चाइनीज किड मिला जो साइबर किडनैप हो गया था अनहार्म्ड, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल वो सही सलामत मिल गया। By the time the police traced him, his parents back in China had paid $80,000 in ransom. जब तक पुलिस ने उसको ट्रैक करा, जब तक उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि हमारा जो चाइल्ड है वो किडनैप हो चुका है, तब तक $80,000 वो पे कर चुके थे। बेसिकली उनको भी नहीं पता कि उन्होंने $80,000 किसको पे करे और किसने उनके सन को किडनैप करा था। अगर हम बात करेंगे साइबर किडनैपिंग की, व्हाट इज साइबर किडनैपिंग? साइबर किडनैपिंग रेफर टू अ क्राइम वेयर द किडनैपर्स कन्विंस विक्टिम टू हाइड एंड देन कॉन्टैक्ट देयर लव वंस फॉर रैंसम। अब इस पहली लाइन से हमें समझ आ गया कि साइबर किडनैपिंग होती क्या है। साइबर किडनैपिंग का मतलब ये हुआ कि जो किडनैपर्स हैं, जिस भी पर्सन को किडनैप करेंगे, बेसिकली उनको वो कन्विंस कर देंगे एक जगह पे हाइड करने के लिए, एक जगह पे छुपने के लिए उनको कन्विंस कर देंगे। सपोज एक ये जगह है, उनको बोल देंगे यहाँ पे छुपने के लिए, उनको कन्विंस कर दिया जाएगा और फिर उनके लव्ड वंस, बेसिकली उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियंस को कॉल करा जाएगा कि आपके हमने पर्सन को किडनैप कर लिया है। द विक्टिम इज ऑल्सो मेड टू सेंड पिक्चर्स दैट मेक इट लुक दैट दे आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव, शोइंग देम बाउंड और गैग्ड। बेसिकली विक्टिम को कन्विंस कर दिया जाता है, विक्टिम को फोर्स कर दिया जाता है कि वो ऐसी पिक्चर सेंड करें जिनसे लगे कि हाँ वो सच में किडनैप हो गए हैं। Both parties believe that their loved ones will be harmed if they don't do as the kidnappers ask. Basically, जो जिसको किडनैप कर दिया जाता है उसको भी एक जगह पे रख के बोल दिया जाता है कि तुम्हें वीडियोस बना के भेजनी है, पिक्चर्स बना के भेजनी है। बेसिकली उनको कन्विंस कर दिया जाता है कि तुम वहीं पे हाइड करो, और जिनसे उनको पैसे मंगवाने होते हैं उनको भी ऐसा बोल दिया जाता है कि जो आपका पर्सन है हमारे पास है। बेसिकली वो एक जगह पे बैठा होता है जो कि किडनैपर्स को पता होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता है कि इन्होंने इनको किडनैप करा है और ये हार्म पहुंचा सकते हैं और इनको यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। इस केस में $80,000 का फ्रॉड हुआ, जिसमें किड जो था वो एक जगह पे बाद में पुलिस को मिला, ट्रेस करा पुलिस ने जब उसे, तो वो एक बेसिकली जगह पे बैठे हुए मिला बस, लेकिन उसको ये लग रहा था कि उसको किडनैप कर लिया गया है और उसके पेरेंट्स को हार्म करा जा सकता है किडनैपर्स के थ्रू। तो ये बेसिकली केस है साइबर किडनैपिंग का, जहाँ पे किडनैपिंग तो होती है लेकिन कोई भी बंदा किडनैप नहीं होता है। आजकल ये फ्रॉड काफी फेमस हो रहा है बेसिकली यूएस में, बाहर की कंट्रीज में। ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट न्यूज़ आती रहेगी चैनल के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना हो, आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।